हाय गाइस, आर्यन रहेगा तो उसको तो देना ही है इंट्रोडक्शन. सो आज हम जा रहे हैं, हम नहीं जा रहे, मैं जा रही हूँ और ये दोनों मुझे सिर्फ ड्रॉप करने आ रहे हैं बिकॉज आज संडे है. हम लोग घर में हैं. हम लोग मम्मा के साथ नहीं रह रहे, पापा मेरे साथ खेलेंगे. हाँ बाय. बस आर्यन को सिर्फ खेलना होता है. सो आई एम हेडेड टू अ स्टोर विजिट विच आई एम सुपर सुपर एक्साइटेड अबाउट. मैं जाके आपको बताती हूँ कि हम कौन से स्टोर में जा रहे हैं आफ्टर वेरी वेरी लॉन्ग टाइम. आई थिंक लास्ट स्टोर विजिट मेरा जनवरी में था, विच वॉज नेचर्स बास्केट. सो ऑब्वियसली बिकॉज कोरोना अगेन स्पाइक्ड अप एंड केसेस बढ़ गए थे, सो इवेंट्स वगैरह कुछ हो नहीं रहा था, बट दिस आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट. गेस करिए, अगर आपको पता है तो कमेंट्स में बताइए, मैं आपको हिंट देती हूँ. दिस इज समथिंग दैट एवरी हाउस होल्ड नाउ डेज वुड हैव. इट्स लाइक हमारे मदर्स की सबसे फेवरेट ब्रांड हो सकती है. आई थिंक 80-90% ऑफ द मदर्स दीज डेज सबसे फेवरेट ब्रांड होगी. सो गेस, अगर पता है तो कमेंट में पहले बताओ और फिर आगे देखना. हाय गाइस, सो पहले ये बताइए कि आपने गेस किया क्या जो मैंने आपसे पूछा था कि मैं कौन से स्टोर में जा रही हूँ. इफ यू हैवंट, लेट मी शो यू. अब बताओ कौन सा स्टोर है. इफ यू डोंट नो, इट इज टपरवेयर. आई डोंट नो इफ यू आर अवेयर कि टपरवेयर के स्टोर्स भी है. सो एक्साइटिंग इजंट इट. आई एम ह्योर एंड आई एम सीरियसली सो एक्साइटेड. सो मैनी कूल स्टफ. मैं आपको सारी चीज़ें दिखाती हूँ बैक कैमरे से. ओके, so these are the must haves. So they have lot of kids range. Those boxes are 3D boxes. मैं एक पिक करके दिखाती हूँ आपको. I have similar box but this is so cool. Look at that, so pretty. And इसमें flat 50% off है, but I think store पे ही होगा ना. So this is at the store visit and this is so pretty. Look at that bottle. We should actually, you know, try and help our kids to drink more water, stay hydrated. This bottle is such a good size and so cute, quite hardy too. Comes with a bag like that, so pretty string bag. These tiffin boxes I already own. This is too good for tiffin, which is like roti sabji, very very nice. Then they have insulated rack and this mug is something that I'm very excited about. वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो आप, सो आई एम डेफिनेटली श्योर कि आपको कॉफ़ी चाहिए. एंड दिस इज़ सो गुड एंड इवन फॉर मॉम्स. आई मीन लाइक मैं अभी बात ही कर रही थी स्टोर मैनेजर से, यू नो हम मदर्स लोग कॉफ़ी बना तो लेते हैं बट अल्टीमेटली कोल्ड कॉफ़ी पीते हैं. सो आई थिंक ये हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ है. दे ऑल्सो हैव अ ब्लैक कलर इन दिस बट आई थिंक रेड लुक्स कूलर. ओके, सो यहाँ पे और सारी चीज़ें हैं. सो दीज आर फूड जार्स. सो यहाँ पे एक कलर है, स्टैकेबल फूड जार्स. ओके, सो दीज आर स्टैकेबल फूड जार्स. ओके, इट्स सच प्रिटी कलर, क्यूट कलर. ओके, सो यू कैन बाय टू लाइक दीज एंड लुक एट द स्पार्कल, इट्स सो प्रिटी. आई थिंक द गर्ल्स विथ यूनिकॉर्न लवर्स एंड डोरा लवर्स, एल्सा लवर्स वुड लव दिस. एंड फॉर बॉयज, या फिर यार मेरे बेटे को तो पिंक बहुत पसंद है. आई थिंक मैं अपने बेटे के लिए पिंक ले सकती हूँ. एंड दिस इज अ लार्जर साइज, सो दे हैव टू साइजेस. दे हैव प्रिटी कप्स एंड लुक एट द रेंज ऑफ बॉटल्स, सो क्यूट. दीज आर सेट ऑफ बॉटल्स, सेट ऑफ टू बॉटल्स एंड इसमें भी 30% ऑफ है. सो दे आर क्यूट. दे हैव अदर प्रिंट एट द बैक एंड दिस बॉटल इज सो प्रिटी. लुक एट द कलर. Then you have the tiffin boxes. Oh, I am so excited. I think I'm going to buy this when Aryan's school is open. These are good. I use these boxes for Ishtiaq's tiffin. Wo hamesha ye wale boxes le jate hain bag mein. Then they have so many new variety of bags have also come. If you can see, look at the bag. It is so cool, na? So different from the ones that we have seen earlier. So they have lot of new variety of bag. Insulated bag था ये वाला. एक और insulated bag है जो इस tiffin box के साथ आता है, वो मैं आपको दिखाती हूँ. But another great thing to come to a store is that आप online जब देखते हो ना तो आपको पता नहीं चलता है. आपने शायद ये वाली box देखी और आपको लगा कि चलो ठीक है, ये मेरे खाने के हिसाब से ठीक है. But
एक्चुअली मैं आपको चाहिए था ये, तो इट्स सो कन्फ्यूजिंग, इट इज़ बेटर कि आप स्टोर पे आओ, आराम से देखो कि आपके खाने के हिसाब से कौन सा साइज परफेक्ट है, ये है या ये है, एंड देन यू कैन चूज द प्रोडक्ट्स. प्लस लुक एट द कलर्स, आई मीन सामने देखने से ये कलर्स ज़्यादा प्रेटी दिखते हैं और आपको एग्जैक्ट ट्रू कलर समझ में आता है. सो लेट मी शो यू इस बॉक्स के साथ जो इंसुलेटेड बैग है. सो दिस इज़ द बैग दैट कम्स विथ दैट बॉक्स, और खाना 4-5 घंटे ठंडा या गर्म रह सकता है. आई डोंट थिंक ठंडा स्टोर करेंगे हम, गर्म ही करेंगे, बट येस. सो यू कैन ओपन दिस एंड वॉम इट अप इन द माइक्रोवेव डायरेक्टली, विच इज़ सो गुड. अगर आपके ऑफिस में माइक्रोवेव है और आपको खाना ले जाना है, आई थिंक दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग. ओके, सो ही इज़ द स्टोर मैनेजर एंड ही इज़ हेल्पिंग मी. तो ये आप देख सकते हो, अगर आपका खाना ख़त्म हो गया है और आपको बड़ा सा बॉक्स अपने बैग में नहीं रखना है, आप उसको मस्त फ्लैट करके ढक्कन लगा के बैग में रख सकते हो. और अपने खाने के हिसाब से, जैसे आपने अगर राइस कम लिया है तो आप उसको थोड़ा छोटा करके भी यूज कर सकते हो. दिस इज सच अ ग्रेट प्रोडक्ट. नाउ वी विल सी द बॉटल्स. बॉटल की रेंज का तो जवाब ही नहीं है, आप नाम लो और सारे कलर्स आपको मिल जाएंगे. दीज बॉटल्स हैव 25% डिस्काउंट, और इनके पास ना आप स्टोर पे आओगे तो आपको बहुत सारे डिफरेंट डिस्काउंट्स मिलेंगे, बट यू हैव टू कम टू द स्टोर फॉर दैट. सो द ड्राई स्टोरेज, लुक एट दिस, इजंट दिस हाउ यू वांट योर किचन टू लुक लाइक. कोई भी अगर ना बोलेगा ना तो पिटाई खाएगा मेरे से, बिकॉज दिस इज लाइक अ ड्रीम किचन, इजंट इट. और कितनी सारी चीज़ें, आई थिंक हम सबके घर में ऐसा एक रैक तो ज़रूर होगा. आप सोच सकते हो कि आपने इतनी सारी चीज़ें रखी हों, प्लस ये भी कि आपको इतना क्लियरली सारा सामान दिख रहा है. स्टील के बॉक्सेस, कांच के बॉटल्स तो बहुत रिस्की है. आई ओन कांच के बॉटल्स, बट दे आर प्रिटी रिस्की. ऊपर वाले रैक्स पे तो मैं बिल्कुल कांच की बॉटल्स नहीं रखती, बिकॉज पता होता है कि गिरा तो बस खाना भी बर्बाद और बॉटल भी बर्बाद. बट लुक एट दैट, सो क्लियरली विजिबल, प्लस एयर टाइट. मानसून में आपके किसी भी दाल में किसी में भी कीड़े नहीं लगने वाले हैं. लुक एट दैट, प्लस दीज आर सो गुड. लुक एट दैट, इसकी कैपेसिटी कितनी है? 200. ओके, सो 200 ml. इफ यू आर स्टेइंग इन अ न्यूक्लियर फैमिली, आई थिंक दिस इज परफेक्ट फॉर योर किचन. परफेक्टली स्टैकेबल, लुक्स प्रिटी, वेरी वेरी नाइस. सो दीज आर अदर. ये डब्बा देखो, ओके दैट 5 kgs आप इजीली रख सकते हो. सो अगर आप स्टोरेज करते हो, सो आप 5 kgs इसमें रखो, इसमें 5 kgs रखो, इसको इसके आराम से इसके ऊपर रख दो स्टैक करके, आपकी जगह भी कम लेगी. ओके, सो लुक एट दिस. इसमें मैंने इसमें इन्होंने कॉफ़ी रखी है. जब हम कॉफ़ी के सैशे लेके आते हैं ना, हम उसी में रबर बैंड लगा के रख देते हैं, बट वो कुछ दिन में सिल जाती है. तो ऐसे छोटे बॉक्सेस में आप आराम से रख सकते हो, इफ़ यू आर नॉट दैट बिग अ कॉफ़ी लवर और छोटे छोटे कंटेनर्स में रखते हो या पाउच में रखते हो. दिस इज़ अ ग्रेट थिंग. ओके, इन बॉक्सेस की ना एक खासियत है जो मैं यहाँ की मैनेजर से पूछती हूँ, वो बताएंगी. सो आप पहले मुझे बताओ आपका नाम, और आप हेलो बोल दो मेरे व्यूवर्स को. अंजू जोशी, मैं टपरवेयर डिस्ट्रीब्यूटर हूँ. ओके, आज मुझे पता चला ये आ रहे हैं, इसलिए मैं भी स्टोर पे आई हूँ. ओके ग्रेट. मैं बता रही हूँ, ये पूरा सेक्शन के लिए ही बता रही हूँ मैं. ये हमारा ड्राई स्टोरेज का है. इसमें आप देखेंगे यहाँ पे अलग अलग साइजेस के हमने बॉक्सेस रखे हुए हैं. 500 ml है, 1.1 liter, 1.7 liter और 2.3 liter. 4 sizes हैं. मॉड्यूलर किचन के लिए परफेक्ट है. अभी रेनी सीजन है, उसमें आपकी मसाले पल्से जो भी आप रखेंगे एकदम फ्रेश रहेंगे. उसके बाद में हमारा एक और भी रेंज है, ये है ओवल का रेंज. इनको स्मार्ट सेवर्स बोलते हैं और इनको वन बोलते हैं. ये सेम ही इन लोग इनका काम है, बट दोनों का शेप थोड़ा सा डिफरेंट है और इनकी ओपनिंग भी डिफरेंट है. जो मैंने जो आपने मुझे बताई, आप एक बार दिखाओगे? बताया. इसका जो है, ये जो स्मार्ट सेवर्स हैं, ये ऐसे इजीली ओपन होते हैं. और इसके अलावा जो हमारा जो ये ओल्ड पैटर्न जो है, जो सबके घर में आई थिंक होगा, अगर कोई एकदम इवन आई हैव दैट जानता है तो वो इन्हीं कंटेनर के नाम से ही जानता है. करेक्ट, बिकॉज आई हैव दिस. राइट, ओके. तो हमारे पास में ये दोनों ही हैं. अगर किसी को अपना पुराना किचन के हिसाब से लेना है तो ये भी है, और स्मार्ट सेवर्स जो है ये भी हमारे पास में है. इसके अलावा हमारे पास में छोटी कंटेनर भी है, 200 ml और 440 ml के लिए. ओके, इनका खासियत ये है कि कॉफ़ी हमने इवन रखा हुआ भी है. राइट, मैंने अभी दिखाया था. करेक्ट.
कोलकाता में कॉफी का पैकेट खुला और कॉफी खराब हो गया. एग्जैक्टली exactly, इतनी मॉइस्चर है. ये आप इसका आवाज भी सुन सकते हैं. उसके बाद में आप आपको मैं इसको खोल के बता रही हूँ. इट वुड स्मेल एज गुड ना. ये देखिए. ओह वेट, इतना फ्रेश कॉफी आपको नहीं मिलेगा किसी भी बॉक्सेस में. उसके अलावा हमारे यहाँ पे स्क्वायर की रेंज है. आपको इसमें भी अलग अलग है. चारों साइजेस हमारे पास में है. और उसके बाद में जिन कंटेनर्स का बात कर रहे थे, ये राउंड right. ये सुपर स्टोरर कंटेनर्स हैं. इनमें भी हमारे पास में 3 साइजेस हैं. इसका खासियत ये है, इसमें आप ये एयर टाइट और लिक्विड टाइट दोनों हैं. आप इसमें ड्राई स्टोरेज का भी रख सकते हैं. इसमें इवन आप फ्रिज में, अगर हमने बड़ा सा वाटरमेलन काटा है तो हम इसको काट के फ्रिज में भी रख सकते हैं. okay. और डोसा बैटर के लिए भी ये बहुत अच्छा है. ओके, सो से सपोज मैं अपनी मम्मी के घर से डोसा बैटर ला रही हूँ, तो मैं आराम से इसमें ला सकती हूँ और वो रस्ते में बिल्कुल स्पिल नहीं करेगा. रसगुल्ला कैरी करने का एक बहुत बड़ा टेंशन होता है, उसको कपड़े में बांधो फिर प्लास्टिक में बांधो. आई थिंक दिस इज अ ग्रेट ऑप्शन. ये 12 लीटर का है. 12 लीटर 12 किलो का सामान अगर आपको किसी में रखना है तो आप बहुत बड़ा बॉक्स इमेजिन कर रहे होंगे. बट ये छोटा सा है हमारा मॉड्यूलर किचन के लिए. right. इसमें आप 12 किलो तक सामान आराम से रख सकते हैं. प्लस में बड़ा भी एक है. ये 10 दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू बाय फॉर श्योर. 10 kg का है. ओके, लुक एट द प्रिंट्स. मुझे लगता है कि अगर आप किसी के घर जा रहे हो ना आजकल, और उनको आपको कुछ देना है, तो आप बाहर से नहीं खरीद के अपने घर से कुछ खरीदो और इनमें पैक करके दे दो. दीज आर गोइंग टू लुक सो कूल, सो प्रिटी कलर्स. क्योंकि दैट आई थिंक किड्स के लिए तो ये बहुत अच्छा है. इसमें आप चॉकलेट्स भर के भी उनको गिफ्ट कर सकते हो. दिस इज गोइंग टू लुक सो नाइस. और वो अपने टॉयज भी रख सकते हैं इनफैक्ट, है ना. यहाँ पे ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जिसके बारे में मुझे नहीं पता था पहले. सो दिस इज़ बेसिकली फॉर योर ऑनियंस एंड गार्लिक. अगर आप ड्रॉवर्स में रखते हो तो आपको पता है कि इतनी जल्दी ख़राब हो जाएंगे, बिकॉज कैलकटा इतना ज़्यादा मॉइस्ट एरिया है. तो इसमें क्या है कि ये प्रॉपर वेंटिलेशन है एंड ये देखने में कितना प्रिटी लगता है. सो अगर आपने 3-4 रखने हैं, इसके ऊपर आप 2-3 स्टैक भी कर सकते हो, फिर भी यहाँ से इसकी वेंटिलेशन होती रहेगी अगर आपने इसके ऊपर स्टैक किया तो भी. सो दिस लुक्स वेरी प्रिटी, दैट इज नाइस. सो दैट्स वन गुड पार्ट अबाउट अ स्टोर विच आई रियली वॉन्टेड टू टेल यू गाइज इज दैट यू नो कि यहाँ पे इन्होंने ना एक ट्राई मी काउंटर बना के रखा है. उसमें ना ये एक, आप पहले ये देखो, ये हिल नहीं रहा है बिकॉज इसके नीचे ऐसे एक वैक्यूम सील है. तो अब ये हिलेगा नहीं. तो जब हम चॉपिंग करते हैं ना, तो या तो हम नीचे कोई कपड़ा रख रहे होते हैं ताकि ये हिले ना, तो यहाँ पे कपड़ा रखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे होगा. प्लस अनदर गुड थिंग दैट आई नोटिस, आई शो यू बैक कैमरा से, इज दैट अगर हम टमेटो कट कर रहे हैं या ऐसा कोई लिक्विड वेजिटेबल कट कर रहे हैं जिसमें से लिक्विड निकलता हो, तो वो यहाँ पे जमा हो जाएगा रादर देन गेटिंग इट स्पिल्ड ऑन द बॉटम. यू नो दैट्स अ सच अ इंटेलिजेंटली मेड चॉपर. मतलब आई थिंक किसी मदर ने ही बनाया होगा ये चॉपर पक्का. बिकॉज हम घर में काम करते हैं, हमें पता है कि यू नो व्हाट दिस मींस. या तो आपको नीचे साफ करना पड़ेगा, सो दिस इज़ अ ग्रेट थिंग, यहाँ पे आ जाएगा. सो व्हाट आई वाज सेइंग इज दैट दे हैव दिस ट्राई मी काउंटर लाइक इट सेज योर. सो आप उधर चॉपर यूज करके देख सकते हो, लाइव चेक कर सकते हो, जूसर चेक कर सकते हो. उनके और भी बहुत सारे कुकवेयर रेंजेस है. कुकवेयर इन द सेंस, कुकवेयर तो यहाँ पे है, वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ. बट ये सारे यू नो लाइक ग्रेटर्स, या फिर नाइफ चेक कर सकते हो उनकी धार कैसी है, जूसर्स है, वो सब आप यहाँ पे चेक कर सकते हो. ये आपको चेक करके बता देंगे. सो दैट्स अ वेरी वेरी गुड पार्ट अबाउट कमिंग टू द स्टोर. अनदर थिंग दैट मैम वॉज सेइंग वॉज दैट दे हैव क्रिएटेड दिस ओवन एरिया हियर. सो अगर आपको किसी ओवन रिलेटेड प्रोडक्ट पे डाउट है, तो आप आराम से उनसे कह सकते हो, वो उस पर खाना डाल के आपको गर्म करके दिखा देंगे कि भाई ये चलता है. वैसे टपोवे का ब्रांड है, आई डोंट थिंक सो कि उसमें कोई डाउट करने की ज़रूरत है.
लेट मी शो यू देयर अदर बॉक्स सेक्शन. इसके कलर्स कितने प्रीटी है, लुक एट दैट. एक्चुअली पर्पल एंड लैवेंडर इज माई फेवरेट कलर, सो मेरी नज़र ना उधर ही ज़्यादा जा रही है. सो दिस इज जैसे उन्होंने ना यहाँ पे ऐसे लेबल करके रखा है, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग. प्रेप एंड कुक, वो सर्विंग है. दिस इज फ्रिज एंड फ्रीजर सेक्शन, सो यू कैन यूज़ दिस. अनदर कूल थिंग दैट मैम ने मुझे बताया, मैं उनसे पूछती हूँ फिर मैं आपको बताती हूँ. यहाँ पे ना आइस ट्रेज है. ओके सो मैंने मैम से पूछा कि मैं ये वाले डब्बे फ्रीजर में क्यों नहीं रख सकती, तो उन्होंने कहा आप आराम से रख सकते हो उसे भी, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट दीज आर स्पेसिफिकली मेंट फॉर फ्रीजर्स एंड व्हाई वी विल आस्क देम. ओके मैम, तो आप बताइए कि आपने मुझे बताया कि ये फ्रीजर में ये क्यों बेटर है फ्रीजर के लिए रादर देन दीज वंस. टापावेयर एक ऐसा ब्रांड है जो स्पेशली फ्रीजर के लिए कंटेनर्स बनाता है. आप देखिएगा पहले तो इस पे स्नो फ्लैक का डिजाइन भी बना हुआ है. ओके, दैट्स सो कूल. ये फ्रीजर का ही है. दूसरा आप इसका शेप देखिए, एयर सर्कुलेशन जो है वो फ्रीजर में रखने के बाद में बहुत अच्छे से होता है. मैं इसके ऊपर में आपको चेक करके बता रही हूँ. हमारे देखिए बीच में आप देख रहे हैं एयर पास होती है. okay. यहाँ से भी आपका एयर पास होगा. पूरा का पूरा इसका डिजाइन जो है वो स्पेशली फ्रीजर के लिए बना है. okay. ताकि आपका फूड नॉर्मल कंटेनर में अगर 5 डेज तक फ्रेश रहता है तो हमारा इसमें डबल 10 डेज तक रहेगा. सो मैं ना आपको बगल से दिखाती हूँ तो आपको समझ में आएगा. सो देयर इज अ कर्व, बिकॉज ये डार्क बॉक्स है तो आपको दिख रहा होगा. सो ये ऐसे कर्व है सो दैट यहाँ से आपका एयर पास होते रहे और फूड ज़्यादा दिन तक फ्रेश रहे. ओके सो दिस इज अ वेरी वेरी गुड बॉक्स. मैं मैम से पूछती हूँ और वो प्रॉपरली एक्सप्लेन कर पाएंगी. सो दिस इज अ स्मॉलर बॉक्स दैट शी हैज. ये हमारा स्पेशली रो वेजिटेबल्स के लिए है. इसमें आप देखेंगे कि अलग अलग यहाँ पे ग्रुप्स बने हुए हैं. जैसे कि वेजिटेबल में कुछ भी अगर एक्सेस वाटर है तो वो नीचे चला जाता है, वो right. तो खराब नहीं करता है. ओके okay. और हर एक वेजिटेबल जो है वो अलग अलग होता है. जैसे लीफी वेजिटेबल है तो उनके लिए हमारे इसके अंदर में ये बटन्स लगे हुए हैं. राइट अगर आपको हैवी ब्रीदर रखना है तो आप दोनों खोल के रखिए. ओके अगर आपको मॉडरेट में रखना है तो आप एक को ओपन रखिए. राइट और लाइट ब्रीदर में आप इसको पूरा का पूरा बंद करके रखिए. ओके इसके साथ एक चार्ट आता है जिसमें अलग अलग बताया हुआ है कि कौन सा वेजिटेबल के लिए आपको कैसे रखना है. ओह दैट इज सो इंटरेस्टिंग, बिकॉज मेरे पास बॉक्स है बट मेरे पास ये चार्ट नहीं था. आई थिंक दिस इज गोइंग टू हेल्प मी अ लॉट. Okay, now I want to show you their this range, serving range. Do you guys know that they have this huge, pretty looking serving range? Look at that. Like, look at the colors, yaar. Itna pretty sea green sort of a color hai. Aapke ghar mein agar mehman aane wale hai na, guys, please, zarur khareed lo. Aur ye wale jo प्लेट्स है ना इसमें कलर्स है और ये 50% ऑफ पे है इफ़ यू कम टू द स्टोर. ओके सो इनके पास ना ऐसे 2-3 डिफरेंट रेंजेस है. सो दिस वन एंड दैट वन, इसमें दोनों में डिफरेंस ये है कि इसमें ऐसे नॉब है जिसका मतलब ये है कि आप आराम से इसको एक कुकर की तरह यूज़ कर सकते हो. प्रेशर कुकर की तरह आप ये नॉब कर दो, आपकी विंड बाहर जाएगी, और ऐसे कर दो तो नहीं जाएगी, समथिंग लाइक दैट. एंड यू कैन ईजीली यूज़ दैट, प्रेशर लॉक हो जाएगा तो आप आराम से इस पर यू नो मुझे लगता है कि जैसे मैम ने मुझे पहले बताया कि आप नो ऑयल कुकिंग भी कर सकते हो इसमें, है ना. सो यू द बॉटम इज प्रिटी हैवी, आपको देख के समझ में नहीं आएगा. दे आर क्वाइट गुड अमाउंट ऑफ लेयर्स हियर, तो 5 लेयर्स. ओके सो देर आर 5 लेयर्स जो मुझे अभी पता चला है. सो आई एम श्योर कि इस पर स्टिक नहीं करेगा खाना और आप आराम से बना सकते हो. एंड बिकॉज ऑफ दिस आपका खाना जलेगा नहीं, सो दैट्स अ गुड थिंग. दिस इज अनदर रेंज विच डज नॉट हैव दिस नॉब बट इज इक्वली गुड. 3 लेयर्स. ओके एंड दिस हैज 10% ऑफ. आई विल शो यू वन मोर कॉपर रेंज. दैट वन, लुक एट दैट, इट्स सो प्रिटी टू लुक एट. मतलब अगर आपका ओपन किचन है ना तो ऐसे यूटेंसिल्स रख लो, आपके रिलेटिव डेफिनेटली बहुत जेलस होने वाले. ओके लुक एट द बॉक्सेस हियर, दैट्स सो प्रिटी टू लुक एट. प्रिंटेबल्स, और ये इनका एक नया रेंज है. सो नाउडेज पीपल आर प्रिटी ऑब्सेस्ड विद कि हमें प्लास्टिक कम यूज़ करना है एंड स्टफ लाइक दैट. बट अगर रीयूजेबल प्लास्टिक है
So I think doesn't matter. But still, if you are into glassware, these are great. और आप इसका lid open करके आप आराम से इसमें microwave पे खाना भी बना सकते हो या normal oven पे भी खाना बना सकते हो. Then there are steel boxes also. Okay, this is insulated box. Look at the pretty food jar. How pretty this is. And this range is also very classy. Black and white never goes out of fashion. Such pretty looking boxes. And this is oil dispenser, right? This is an oil dispenser. ये मैंने आपको properly दिखाया नहीं, but ये बहुत ही cool section है, which is a prep and cook. इसमें से सबसे पहली चीज़ जो मैं लेने वाली हूँ ये है. मेरे पास ये bottles है. मेरे पास ये छोटी वाली बॉटल है, मेरी मम्मी ने मुझे दी थी. आई थिंक दो मम्मी के पास है, एक मेरे पास है, पता नहीं, वॉट एवर. पर मैं आपको बॉटल दिखाती हूँ. इसकी एक सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि इसमें से ना ऑयल बाहर ड्रिप नहीं करता और इनमें ना एक छोटा सा, यस, सो देयर इज दिस स्मॉल सेक्शन हियर. तो अगर यहाँ से ऐसे ड्रिप भी किया ना तो यहाँ से तेल जाके आपकी वापस बॉटल में चला जाएगा और वो यहाँ जमा नहीं होगा बिकॉज ऐसे स्लांटिंग है. सो ये चीज़ ना बहुत ही इंटेलिजेंटली बनाई हुई है. और टपरवेयर के सारे प्रोडक्ट्स की ना ये बहुत बड़ी खासियत है. ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है. अनदर कूल थिंग इज दिस वन, यू नो व्हाट गाइस, दिस इज स्पाइरल बनती है इससे. वो आपने देखे हैं फैंसी कुकिंग शोज में जो जुकीनी के और कैरेट के स्पाइरल्स बनते हैं, आप आराम से वो स्पाइरल्स ना अपनी स्पेगेटी के साथ डाल सकते हो या सिर्फ उस स्पाइरल के भी स्पेगेटीज बना सकते हो एंड यू कैन इन्जॉय. सो हेल्थ कॉन्शियस वालों के लिए ना ये रेंज बहुत डन विद ऑल द शॉपिंग. आपको दिखाती हूँ कितनी चीज़ें खरीदी मैंने. 1, 2, 3 एंड गुड बाय टू द स्टोर. आई हैड सो मच फन, बहुत मज़ा आया. बट यस, एग्जॉस्टेड नाउ, हेडिंग होम. Hi guys, so back to the reality and back to the bun, all my favorite. I'm so exhausted, बिल्कुल आदत नहीं है बाहर रहने की. But yeah, back to this monkey. मम्मा गई थी मेरे लिए फोर प्लेट्स लाए. हाँ, मैंने आर्यन के लिए कुछ प्लेट्स लाए. सो एनी वेज गाइज, आई थिंक मैंने कहा था कि मैं घर जाके दिखाऊंगी कि मैं क्या लेके आई हूँ, बट आई थिंक आई एम गोना डू अ सेपरेट हॉल बिकॉज बहुत सारी चीज़ें हैं और अगर मैं डिटेल में बताने लग गई तो ये वीडियो पता नहीं कितना लंबा हो जाएगा बिकॉज ये आई एम श्योर ये ऑलरेडी काफ़ी लंबा है. सो आई थिंक आई विल एंड द व्लॉग हियर एंड आई विल डू वन मोर वीडियो सेपरेटली जिसमें सिर्फ मैं दिखाऊंगी कि मैं टपरवेयर से क्या खरीद के लेके आई. आई थिंक दैट विल बी ग्रेट थिंग. सो चलो, see you. If you enjoyed this video, आपको पता है कि आपको क्या करना है, लाइक शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है. अनदर थिंग बिफोर आई फॉरगेट, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना डाल दूंगी स्टोर का एड्रेस, स्टोर की डिटेल्स, एड्रेस, फोन नंबर, एवरीथिंग. और उनका जो कलकत्ता का स्टोर है उसका मैं कैटलॉग भी डाल दूंगी, सो वहाँ पे आप इजीली जाके देख सकते हो कि क्या प्राइसिंग चल रही है. प्लस अगर आप स्टोर में जाते हो या स्टोर पे कॉल करके कुछ भी ऑर्डर करते हो और आप नाम लेते हो मेरा, सना अहमद बोलोगे, तो वो आपको ऊपर से 10% डिस्काउंट देंगे. सो आप ले सकते हो बहुत आराम से, आपको 10% और डिस्काउंट मिल जाएगा. आई थिंक नाउ आई गॉट टू गो, मैंने चाय चढ़ा दी है. बाय, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. बाय 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 गाइस.